हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी तक हमने जो कवर किया है, एक चैप्टर हमने कवर किया जिसमें हमने हॉल नंबर के बारे में पढ़ा था। हॉल नंबर के बारे में आपको पढ़ा था, हॉल नंबर्स, ठीक है। और जो सेकेंड चैप्टर था उसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ये हमने किया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसका नाम है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर चैप्टर हम करेंगे। और रैशनल नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, रैशनल नंबर होते क्या हैं, किस तरीके से हम उनको लिखते हैं, और उनके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशंस देखनी है। जो होल नंबर, फ्रैक्शन और जो डेसिमल्स आते थे वो सभी रैशनल नंबर के अंदर ही आते थे। ये रैशनल नंबर ही होते थे, रैशनल का ही पार्ट होते थे, ठीक है। मैं एक बार उसी टॉपिक को रिवाइज करवाता हूँ कि कितने टाइप के नंबर हमने पढ़े थे। एक नंबर मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इनको हम नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग होती है, हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो वो वन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास पेन है, उनको आप काउंट करोगे तो वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, इस तरीके से आप काउंट करते हैं। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जो नंबर्स यूज करते हैं उनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी हम इनको बोलते हैं। इसके अंदर कौन से होंगे, काउंटिंग कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होते। अगर आपके पास टोटल ये टू पेन है तो आप इनको काउंट करोगे तो वन और टू ऐसे काउंट करोगे, जीरो से हम स्टार्ट नहीं करते। तो काउंटिंग जो होती है वो जी वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, इन्फिनिटी तक ये चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, एंड सो ऑन, 100,000, 10,000, लाख, इस तरीके से। तो नेचुरल नंबर वो नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से। उसके बाद हमने पढ़ा था हॉल नंबर, हॉल नंबर्स। इसके अंदर क्या होता था, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और ऐड कर दें, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो, टुगेदर विद जीरो, जीरो और ऐड कर दें, आर कॉल्ड होल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस तरीके से स्टार्ट होंगे, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, इस तरीके। सिंपल हमने क्या किया, नेचुरल नंबर में जीरो और लिख दिया, जीरो और लिखेंगे तो वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। होल नंबर का चैप्टर हमारा हो चुका है। होल नंबर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, ये सारी चीजें हमने कर ली। उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो आएंगे इंटीजर्स, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या होगा, होल नंबर तो रहेगा, सभी होल नंबर इसके अंदर है, इसके साथ इसके नेगेटिव्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव को भी हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर क्या क्या होगा इसके अंदर, नेचुरल नंबर होंगे, उसके बाद जीरो भी होगा, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव, नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जीरो और उनके नेगेटिव्स, यानी कि नेचुरल नंबर क्या था, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन, उसके बाद जीरो, और इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स, नेगेटिव, वन का नेगेटिव -1, टू का नेगेटिव -2, थ्री का नेगेटिव -3 एंड इस तरीके से, फोर का नेगेटिव, फाइव का नेगेटिव, सो ऑन, दीज आर इंटीजर्स। क्लियर है यहां तक। नेचुरल नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से। उसके बाद होल नंबर्स, नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को भी साथ ले लेते हैं तो वो होल नंबर बनेगा।
और इंटीजर्स में क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होंगे सभी, उसके बाद जीरो भी होगा और सभी नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स भी होंगे, तो हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये ध्यान से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आपको कुछ सेम सेम दिखाई देगा, फ्रैक्शन का जो चैप्टर हमने किया है और रैशनल का हम करेंगे, ठीक है, जो डिफरेंस है वो डेफिनेशन में आपका क्लियर होगा कि फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन के अंदर किस टाइप के नंबर होंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर्स होंगे, नंबर्स ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म के होंगे, ए अपॉन बी, इस तरीके से। ऐसे हमने किए थे जब हमने फ्रैक्शन का चैप्टर किया था, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कंप्लीट हमने किया है, ठीक है। नंबर्स जो ए अपॉन बी की फॉर्म में होंगे, जहां पर ए जो होता है, ए को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर, और जो बी होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को बोलेंगे न्यूमरेटर और जो बी होगा नीचे वाले नंबर को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ही हमें हेल्प करती है रैशनल और इंटीजर को, फ्रैक्शन को समझने में। ए और बी, ए और बी, जो ए और बी हम लेंगे आर होल नंबर्स, होल नंबर्स, और होल नंबर्स मैंने आपको बताया ये वाले नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। यहां पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। फ्रैक्शन के अंदर ए और बी वो होल नंबर्स हैं, और ए और बी होल नंबर हैं, इसका मतलब वो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। मैं एग्जांपल दूं तो आपको मिलेगा 1/2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 5/3, इस तरीके से। ये सभी फ्रैक्शंस हैं, इसके बारे में डिटेल हमने लास्ट क्लास में या फिर लास्ट चैप्टर हमने किया फ्रैक्शन का, वहां पर की थी कि ए और बी जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए और बी जो है वो होल नंबर्स होते हैं। एक और कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि जो बी होगा, बी जीरो के इक्वल नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है कभी भी, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि ये ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, ए जो न्यूमरेटर होता है, बी डिनोमिनेटर, और ए और बी होल नंबर होंगे यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये फ्रैक्शंस के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए, ये हमेशा आपको पॉजिटिव दिखाई देगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन की तरह ही इसी टाइप के नंबर्स, ये जो टाइप मैंने आपको बताई है, ये सभी रैशनल नंबर की ही टाइप है, सभी रैशनल नंबर की ही टाइप होती है, इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मैंने डिटेल में आपको बता दिया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर क्या होती है और मिक्स्ड क्या होती है, ठीक है, उसको अभी मैं नहीं कराऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि रैशनल, और यहां से आपको पता चलेगा रैशनल और फ्रैक्शन में डिफरेंस। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हम किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होंगे। नंबर्स, नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म P अपॉन क्यू, सेम उसी टाइप जिस तरीके से वहां पर A अपॉन B था, एक नंबर आपका न्यूमरेटर बनता था, एक डिनोमिनेटर बनता था, ऐसे ही P न्यूमरेटर है और जो Q है वो डिनोमिनेटर है। कंडीशन वही रहेगी कि जो Q है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होता है, लेकिन जो P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये आप ध्यान से समझो। यहां पर जो नंबर होते हैं वो इंटीजर्स की ही रेशियो होती है, इंटीजर्स को ही हम न्यूमरेटर की फॉर्म, डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, और यहां पर आपने देखा ये किसको हम लिखते हैं, ये होल नंबर्स को लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं, ये हम होल नंबर को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते थे और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते थे, ठीक है। लेकिन जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, इंटीजर के अंदर नेगेटिव भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 4/5, तो ये तो एक फ्रैक्शन भी है, ये एक फ्रैक्शन भी है और ये रैशनल नंबर भी है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होती हैं वो रैशनल का ही सब पार्ट होते हैं। और जैसे मैं कहूँ 5/7, ये एक फ्रैक्शन नहीं, ये एक फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन जो होती हैं वो पॉजिटिव में आपके पास आती हैं,
यानी कि जो -5 है वो यहाँ पे इंटीजर हो गया। लेकिन फ्रैक्शन में क्या कहता है कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होल नंबर होना जरूरी है, यानी कि आपके पास दोनों पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव होंगे तभी फ्रैक्शन बनेगी, नेगेटिव अगर नेगेटिव आता है तो वो रैशनल नंबर हम कहेंगे। फ्रैक्शन का मतलब आपने देखा था, फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स। किसी भी चीज के हम पार्ट्स कर देते हैं तो पार्ट्स को हम जो काउंट करते हैं तो वो पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं। पार्ट्स की जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, कभी भी हम उसको नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं बोलते हैं कि आपको किसी भी क्वांटिटी का -1/2 मिला है, -1/2 मिला है, तो हाफ हुआ, 1/3 हुआ, 1/4 हुआ, 1/5 हुआ, उसको हम फ्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर के अंदर पार्ट नहीं होता, पार्ट्स जो हम काउंट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में ही काउंट करते हैं। और यही रीजन था कि फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा होल नंबर बनता था, लेकिन यहां पर इंटीजर्स होंगे, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बारे में आप देखोगे ये कंप्लीट रैशनल नंबर के डिफरेंट टाइप्स, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर। अभी मैं आपसे कुछ आपको कुछ नंबर देता हूं तो उनको आप देखो। जैसे मैं ये कहूं कि -5 क्या बनेगा, -5 एक रैशनल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूं -5/1, तो देखो कन्वर्ट हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और पी यानी कि ऊपर वाला नंबर क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, तो ये एक रैशनल बन गया। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आपको दे सकता है कि -11 बताइए कि एक रैशनल होगा या नहीं होगा। रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर नहीं गिवन है इट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ 5 है तो इसको भी 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और आपकी बुक के अंदर जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें आपसे पूछता है कि ये नंबर आपका रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ठीक है, रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा, कोई भी नंबर आपको दिखाई दे, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, लेकिन एक कंडीशन होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, ए ऑल द रैशनल नंबर्स, ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं वो रैशनल नंबर होती हैं, लेकिन ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होंगे, सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होंगे। जैसे ये फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो सभी फ्रैक्शंस रैशनल की कैटेगरी के अंदर तो आती हैं, लेकिन रैशनल फ्रैक्शन नहीं बन सकते। जो नेगेटिव के होते हैं वो फ्रैक्शंस नहीं होते। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंट और भी थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल, और फिर हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा।